व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। अभी 5:30 बज रहे हैं। शाहीन बाग प्रोटेस्ट से अलग अलग तस्वीरें दिखाने की व्यूअर्स हम कोशिश करेंगे। आप सबको ये चंडीगढ़ से आप बता रहे हैं, कहाँ से आए हुए? नैनीताल से आए हैं। आप यहाँ शाहीन बाग प्रोटेस्ट में क्यों आए? नमस्कार करता हूँ आपका। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में मैं सॉलिडेरिटी के लिए आया हूँ लोगों के साथ, बिकॉज जो CAA की वजह से क्रिएट हुआ है सोसाइटी में, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। डिविजिव पॉलिटिक्स जो हमारी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, एंड इसके रिपरकशन हमें आने वाली जनरेशन को भुगतने पड़ेंगे। सरकार कह रही है वो लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है, लोग गुमराह हो गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत आपके से लोगों को बंद करके रखा है, गुमराह सरकार थोड़ी देर में करता हूँ। रीजन कि पहले वो नागरिकता दे रही है, फिर वो नागरिकता ले रही है। कैसे? NRC NPR, जो NPR होगा इट विल बी पाथ फॉर NRC। NRC विल टेक अवे द सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप है वो NRC लेगी। तो ये पहले दे रहे हैं, चूंकि उसके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चों को रोटी दे रही है, 1 बच्चे को कह रही है तुझे रोटी नहीं मिलेगी, और आपके सारे मुसलमान बाद में कह रही है कि आप सबको महात्मा गांधी अंबेडकर। तो ये कॉन्सेप्ट है, रोटी सबको खिला दी लेकिन 4 बच्चों को रोटी दी है, 1 को नहीं। अच्छा, यहाँ पर शाहीन बाग प्रोटेस्ट में कई लोग कर रहे हैं कि यहाँ गद्दार लोग आ रहे हैं, जो देश से गद्दारी कर रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देश के गद्दार, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये सेडिशन और गद्दारी की चीज क्या है। पहला कि आप गद्दार कहने वाले होते कौन? हु गेव यू द अथॉरिटी? ये पीपल्स प्रोटेस्ट है, लोगों की प्रोटेस्ट तो है। गद्दारों को मारो गोली, देखिए गद्दार आप किस एंगल से देखते हैं वो चीज अलग है। हमारे लिए आप गद्दार हैं क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। So you are doing an unconstitutional thing. So you yourself are creating a seditious act. तो ये चीज तो परसेप्शन पे है कि आप किसको गद्दार देख रहे हो और किसको गद्दार नहीं देख रहे हो। आज जो सत्ता पे हैं वो भी गद्दार हैं, गद्दार हमें हमारा मानना है वो गद्दार। आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए, अब क्या तस्वीरें दिख रहे हैं, कितने देर से क्या आपको दिख रहा है शाहीन बाग? शाहीन बाग प्रोटेस्ट में मुझे दिख रहा है कि इस पे आम आदमी जिसकी वॉइस मिसिंग थी, जो आज तक अपनी जुबान नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स, हमारा सोसाइटी, हमारा सिस्टम ऐसा है कि ये अमीरों का ड्रिवन सिस्टम है। आज आम आदमी को आवाज मिली, आम आदमी, गरीब आदमी, और यहाँ पे हर धर्म, हर मजहब, हर क्लास का आदमी है। दिस इज नॉट अ थिंग कि यहाँ आप सिर्फ कह सकते हैं कि इन्हीं का। अच्छा, आप अकेले आए हैं कि और भी कोई साथ मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं? कहीं ना कहीं सरकार अगर ये कह रही है कि आप गुमराह गुमराह नहीं है, आपको ये लगता है, आप बातचीत करना चाहेंगे? आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट का? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है ये पार्टी का प्रोटेस्ट है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरे प्रोटेस्ट को। कल आपने प्रधानमंत्री का अगर बयान देखा होगा, यहाँ प्रोटेस्ट में आकर आप क्या देख रही है? मैं लगातार कह रहा हूँ, नेशनल मीडिया देश से झूठ बोल रहा है, सही तस्वीरें नहीं दिखा रहा है, देश को गुमराह कर रहा है। मुझे एज ए रिपोर्टर यहाँ हिंदुस्तान दिखता है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब सड़कों पर है, मगर नेशनल मीडिया देश से लगातार झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ? प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? मतलब मुझे तो यहाँ पे सभी दिखाई दे रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा, मतलब थिंग इज कि ये कोई एक मजहब की लड़ाई नहीं है ना, तो साझी लड़ाई है, तो सबके साथ सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं। इंडिया की जो एक प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी होती है ना, उसको बचाने की लड़ाई है, ये कोई एक मजहब की लड़ाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज मुसलमान को तो बाकी सबको बहुत खुशी रखते हैं, धीरे धीरे सबका टाइम आएगा। मुझे नहीं बुर्का पहनकर मैडम आई थी, पकड़ी गई, लेकिन मानिए जिस तरह से JNU में गुंडों ने घुसकर शिक्षा के मंदिर में देश की बेटियों को मारा, उसी दौरान लाखों बेटियां सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करती रही। लगातार आप प्लाज्मा न्यूज देखते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सही तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।